Assalamu alaikum. Today our discussion topic is adenine clusters. These type of clusters in which negative charge present on sphere. ऐसे clusters जिसके sphere में negative charge present हो उसे हम कहते हैं adenine clusters. Adenine cluster is also called halide cluster or metal halide cluster. Mostly carbonyl forms adenine clusters. जो एनायनिक क्लस्टर का सेकंड नेम है वो है मेटल हेलाइड क्लस्टर्स. कार्बोनल जो ग्रुप होता है वो एनायनिक क्लस्टर की फॉर्मेशन करता है. एग्जांपल है एनायनिक क्लस्टर की MnCO5 और साथ इसके स्फीयर में है नेगेटिव चार्ज. इट मींस के ये एनायनिक क्लस्टर है. सेकंड एग्जांपल है रेनियम CO3 और इसके स्फीयर पे भी है नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट है इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं या कंडीशंस भी कह सकते हैं एनायनिक क्लस्टर की. कौन सी कंडीशंस होंगी तो एनायनिक क्लस्टर की फॉर्मेशन होगी. फर्स्ट वन इज नो सेंट्रल एटम. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बॉन्ड्स बिटवीन एटम फॉर्मिंग केज. ज्योमेट्री ऑफ दीज क्लस्टर्स इज ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल और टेट्राहेड्रल. जो एनायनिक क्लस्टर होते हैं सबसे पहले उसकी कंडीशन है कि उसमें सेंट्रल एटम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. सेकंड है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन एटम्स फॉर्मिंग केज. थर्ड वन है कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल, पिरामिडल या फिर टेट्राहेड्रल होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज मेटल्स आर इन हायर फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 सो दे आर हाई वैलेंसी टाइप. जो इन क्लस्टर में मेटल होगी उसकी जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर होनी चाहिए और वो कितनी है +2 या फिर +3. दीज क्लस्टर्स आर शोन बाय मेटल्स हैविंग एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन. एटोमाइजेशन क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मोस्ट रिफ्रैक्टरी मेटल्स जिंक, मोलिब्डेनियम, रेनियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, प्लैटिनम एंड इरिडियम हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म क्लस्टर्स. ये जो मेटल्स हैं इनके पास ग्रेटर टेंडेंसी होती है एनायनिक क्लस्टर की फॉर्मेशन के लिए. नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन, जिसमें हम एनायनिक क्लस्टर को प्रिपेयर करेंगे डिफरेंट मेथड्स के थ्रू. सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्रॉम सोडियम अमलगम. सोडियम को हम ट्रीट करेंगे आयरन पेंटा कार्बोनल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन THF. इसको ट्रीट करेंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो है एनायनिक क्लस्टर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा. सोडियम ट्रीटेड विद आयरन पेंटा कार्बोनल इन द प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन गिव्स द प्रोडक्ट सोडियम आयरन टेट्रा कार्बोनल. हेयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज -2. इधर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की वो है -2. नेक्स्ट है सेकंड मेथड एनायनिक क्लस्टर की फॉर्मेशन का हेट्रोन्यूक्लियर फॉर्मेशन. RH6CO16 इसके ऊपर चार्ज है -2 प्लस निकल टेट्रा कार्बोनल के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ माइनस कार्बन डाइऑक्साइड -3 कार्बन डाइऑक्साइड और जो प्रोडक्ट बनेगी वो है RH6NCO16 और इस स्फीयर के ऊपर चार्ज है -2. ये है एनायनिक क्लस्टर जिसे हम कहेंगे ये हेट्रोन्यूक्लियर प्रोडक्ट है. हेट्रोन्यूक्लियर प्रोडक्ट इसलिए है चूँकि डिफरेंट जो रिएक्टेंट्स हैं उसके मिलने से ये प्रोडक्ट बनी है. मीन हेट्रो मीन डिफरेंट. RH6CO16 रिएक्ट किया है जब निकल टेट्रा कार्बोनल के साथ तो ये वाली प्रोडक्ट बनी है, इसलिए हम इसे कहेंगे हेट्रोन्यूक्लियर प्रोडक्ट. थर्ड मेथड है जो एनायनिक क्लस्टर का वो है फ्रॉम प्रोटोनेशन. जब प्रोटोनेशन करेंगे तो उससे भी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो एनायनिक क्लस्टर्स होंगे. डाई एनायन टू मोनो एनायन आयरन टेट्रा कार्बोनल इसके ऊपर चार्ज है -2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगी हाइड्राइड क्लस्टर. HCl में जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा इस क्लस्टर के साथ और बनेगा एनायनिक क्लस्टर या फिर हाइड्राइड क्लस्टर. डाई एनायन टू मोनो एनायन मीन्स डाई एनायन क्लस्टर था, ये टू चार्ज था -2 और ये कन्वर्ट हो गया है मोनो एनायन में, इसमें माइनस चार्ज है. इन एग्जांपल है प्रोटोनेशन की ऑस्मियम 6CO18 -2 चार्ज है, हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे ऑस्मियम 6CO18 हाइड्रोजन जो है हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी और ये है एनायनिक क्लस्टर.
चूँकि इसमें हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है या फिर हाइड्रोजन को ऐड करवाया जा रहा है, इस अमल को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटोनेशन। स्ट्रॉन्ग पॉलीएसिड्स, लार्ज क्लस्टर्स आर स्ट्रॉन्ग पॉलीएसिड्स विच मेड देयर आइसोलेशन ऑफ आयनाइजेशन सेवरल स्पीशीज में कोएग्जिस्ट, इट्स सिंथेसिस आल्सो डिफ़िकल्ट। जो लार्ज क्लस्टर्स होते हैं, मीन जिनके जिनका स्ट्रक्चर जो है या जो क्लस्टर्स जो हैं वो लार्ज होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग पॉलीएसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो क्लस्टर है इसकी फॉर्मेशन होती है आइसोलेशन ऑफ आयनाइजेशन से। ये जो प्रोसेस है या इसकी सिंथेसिस है वो डिफ़िकल्ट है स्ट्रॉन्ग पॉलीएसिड्स की। बाद एनायनिक क्लस्टर की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली है रिडक्टिव मिथाइलेशन, एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद फॉर्म एल्डिहाइड एंड पोटाशियम टेट्रा कार्बोनल फिरेट अंडरगो रिडक्टिव मिथाइलेशन। ये रिएक्शन है रिडक्टिव मिथाइलेशन का, जिसमें कीटोन और एल्डिहाइड को ट्रीट करवाया है पोटाशियम टेट्रा कार्बोनल फिरेट के साथ और प्रोडक्ट बनी है जिसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसे हम कहते हैं रिडक्टिव मिथाइलेशन, मीन मिथाइल ग्रुप की जो प्रेजेंस है वो प्रोडक्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है सैचुरेटेड डेरिवेटिव्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद पोटाशियम टेट्रा कार्बोनल फिरेट यील्ड देयर सैचुरेटेड डेरिवेटिव्स। की एग्जाम्पल है जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हमने ट्रीट करवाया है पोटाशियम टेट्रा कार्बोनल फिरेट के साथ और जो प्रोडक्ट बनी है वो है सैचुरेटेड डेरिवेटिव्स। अनसैचुरेटेड मीन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और जो प्रोडक्ट है इसमें डबल बॉन्ड की ब्रेकडाउन हो चुकी है, मीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है उसकी कन्वर्जन हुई है सैचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है सियानूरिक फ्लोराइड, सियानूरिक फ्लोराइड ऑन रिएक्शन विद पोटाशियम मैंगनीज पेंटा कार्बोनल एट लो टेम्परेचर यील्ड सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। ये सियानूरिक फ्लोराइड है जिसको ट्रीट करवाया है हमने पोटाशियम मैंगनीज पेंटा कार्बोनल के साथ और जो प्रोडक्ट बनी है वो ये है, जिसमें फ्लोराइड जो कन्वर्ट हो गया है, रिप्लेस हो गया है पोटाशियम मैंगनीज पेंटा कार्बोनल के साथ। ये तो थी एनायनिक क्लस्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस, मीन कहाँ कहाँ एनायनिक क्लस्टर को अप्लाई किया जा सकता है या फिर यूज़ किया जा सकता है। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी कार्बोनल एनायंस आर यूजफुल मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऐसे क्लस्टर जिनकी रिएक्टिविटी हाई है उसको यूज़ किया जाता है सिंथेसाइज करने के लिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन टेट्रा कार्बोनल इज़ यूज टू एक्सटेंड अ कार्बन चेन बाई ट्रांसफ़र ऑफ द कार्बोनल सब्स्टिट्यूएंट एंड प्रोड्यूसिंग कीटोन्स एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो आयरन टेट्रा कार्बोनल है इसको यूज़ किया जाता है कार्बन चेन को एक्सटेंड करने के लिए, मीन इंक्रीज करने के लिए, और जो ये प्रोड्यूस करते हैं कीटोन एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन एग्जाम्पल है इसकी ऑस्मियम 6 कार्बोनल 18 माइनस 2 इसके ऊपर चार्ज है, मीन हेक्सा ऑस्मियम ऑक्टा डेका कार्बोनल। इसका स्ट्रक्चर है जिसमें ऑस्मियम 6 है और कार्बोनल जो है वो 18 है, 1 2 3 4 5 6, हर ऑस्मियम के साथ 3 कार्बोनल ग्रुप हैं, 3 6 9 12 15 एंड 18, 6 ऑस्मियम है और 18 कार्बोनल ग्रुप है। ऑस्मियम 6 कार्बोनल 18 का जो स्ट्रक्चर है वो इस फॉर्म में भी हो सकता है या फिर इस फॉर्म में भी हो सकता है, इसमें भी ऑस्मियम 6 प्रेजेंट है और कार्बोनल ग्रुप जो है वो 18 है। नेक्स्ट है एनायनिक मेटल कार्बोनल क्लस्टर, सच मेटल कार्बोनल क्लस्टर विच हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देयर स्फीयर। ऐसे क्लस्टर जिनके स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो उसे हम कहेंगे ये एनायनिक मेटल कार्बोनल क्लस्टर है। इसकी सिंथेसिस देखते हैं, मीन प्रिपरेशन, कार्बोनल कार्बोनल 18 ये जो है ये मेटल है और ये एज अ लिगेंड एक्ट कर रहे हैं। इसको रिएक्ट करवाएंगे सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो है सोडियम CO टेट्रा।
ये एनाइन है, ये प्रोडक्ट बना है, इट मीन्स के ये एनाइनिक मेटल कार्बोनल क्लस्टर है। ये इसकी सेकंड एग्जांपल है जिसमें भी रिएक्टेंट के मिलने से इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन के मिलने से एनाइनिक क्लस्टर की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट है एनाइनिक क्लस्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़, थर्मल स्टेबिलिटी। दीज टाइप ऑफ क्लस्टर्स आर हाईली स्टेबल्स। जो एनाइनिक क्लस्टर होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं, मीन थर्म मीन हीट। इनको जितनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे ये क्लस्टर अपनी इनिशियल फॉर्म में ही रहेंगे। दे ऑलवेज बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग लिविस बेस। एनाइनिक क्लस्टर जो हैं वो हमेशा बिहेव करते हैं लिविस बेस के तौर पर। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। एनाइनिक क्लस्टर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन या सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हाइड्रोफॉर्मुलेशन प्रोसेस, जिसमें हमने टेट्रा कार्बोनल फ्रेट में ऑक्सीजन की एडिशन करवानी है और प्रोडक्ट बनेगी कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड केस में इसी टेट्रा कार्बोनल फ्रेट में हमने X2 को ऐड करवाना है और प्रोडक्ट बनेगी RC डबल बॉन्ड OX, मीन हेलोजन, कोई भी हेलोजन ग्रुप इसके साथ अटैच होगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोफॉर्मुलेशन। नेक्स्ट है रीज़न फॉर स्टेबिलिटी। एनाइंस हैव नेगेटिव चार्ज विच इंक्रीज देयर चार्ज डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड। एनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इंक्रीज होती है चार्ज डेंसिटी पाई बॉन्ड की। बाय इंक्रीजिंग ऑफ पाई बॉन्ड स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे पाई बॉन्ड इंक्रीज होते हैं स्टेबिलिटी जो है क्लस्टर की वो इंक्रीज होती है। चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, मीन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी उस क्लस्टर की। चार्ज डेंसिटी अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी जो है मीन वो क्लस्टर जो है लेस स्टेबल होगा। ये था आज का लेक्चर एनाइनिक क्लस्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।